अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम विद अनदर इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आज आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो बहुत ही मोस्ट नीडेड वीडियो है। आप लोग भी यकीनन इस वीडियो को ढूंढ रहे होंगे। तो आज आपके लिए वीडियो शेयर करेंगे तेल बनाने की। सर में लगाने के लिए आपको सरसों के तेल से एक बहुत ही आजमुदा टोटका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सरसों के तेल से एक तेल बनाएंगे जिससे आपके बालों की खुश्की, सिकरी, बाल टूटना, झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर आप भी गंजेपन से परेशान हैं कि मेरे बाल उतर रहे हैं, रोज़ मेरी तरह सर पकड़ के आप परेशान होकर बैठ जाते हैं कि बाल उतर रहे हैं, क्या करूँ, समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, अब आपके बाल बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे अगर आप ये तेल लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। उसके बाद हमें चाहिए ब्लैक सीड ऑयल यानी कि ऑलिव कलवंजी का तेल। और उसके बाद हमें चाहिए 1/4 चम्मच कलवंजी के दाने। और हमें चाहिए फनरगन सीड यानी कि मेथरे। मेथरे अचार में भी यूज़ होते हैं और घर में भी, अक्सर सबके घरों में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। 20 ml की हमने बोतल ली है उसकी कलवंजी के तेल की। और मस्टर्ड ऑयल हमने लिया है 200 ml। तो ये बॉटल एक खाली थी तो मैंने इसमें 200 ml मस्टर्ड ऑयल मंगवा लिया। यहाँ से हमारे मिल जाता है, अगर आपके पास पैक मार्केट से मिलता है तो आप 200 ml की बॉटल ले लें। नॉर्मल सी, बिल्कुल कम सी आंच पे मैंने पैन को रखा है गर्म होने। गर्म पैन में अब मैं ऑयल ऐड करूँगी। मस्टर्ड ऑयल को हमने गर्म करना है। पहले पैन गर्म हो रहा है, अब हमने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देना है। इतने में मस्टर्ड ऑयल गर्म होगा और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मेथरी। सरसों का आम तेल है जी, ये जो आम शॉप से मिल जाता है। अब हमने तेल को गर्म होने का वेट करेंगे। तेल को हमने कर लिया है जी ऐड पैन में, और पैन ऑलरेडी गर्म था तो तेल थोड़ा सा टाइम लेगा गर्म होने में, और तेल गर्म हो जाएगा जैसे उसमें से थोड़ी सी हीट निकलना स्टार्ट हुई है। तो मैंने इसमें अब ऐड करने हैं मेथरे। मेथरे में ऐड करूँगी 1 tablespoon बड़ा भर के। ये टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने फुल इसमें भर के ऐड करना है और इनको गर्म होने देना है, अच्छी तरह पकने देना है मेथरों को। जब ये मेथरे बिल्कुल फ्राइंग पोजिशन में आ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो अब मेथरे ऐड करते हैं। ये मेथरे ऐड किए हैं जैसे तेल में, तो इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए क्योंकि तेल गर्म था, वो फ्राई होने की तरफ आ रहे हैं। तो हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है और इसको अच्छी तरह से जलने देना है। जैसे ये इसके अंदर पकते जाएंगे तो तेल की क्वालिटी में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। मेथरे जो होते हैं बेसिकली लॉन्ग हेयर लॉन्ग करने के लिए यूज़ होते हैं, हमेशा से बालों का गिरना बंद करते हैं। ये देखें कैसे पक रहे हैं, इसमें बबल्स आएंगे। ऐसे ही आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल ये तेल को ख़राब नहीं करेंगे। आपने तेल को अच्छी तरह पकने देना है हल्की आँच पर ही, हल्की आँच पर ही सारा प्रोसीजर करना है, बिल्कुल भी तेज़ आँच नहीं करनी। जैसे जैसे ये पक के इनका कलर चेंज होगा फिर हम लोग इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये बबल्स थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब मेथरे जो हैं वो जलना स्टार्ट हो गए हैं, अपने पकने की तरफ आ गए हैं। तो हल्की आंच पर ही हमने इसी तरह इस पर चम्मच चलाते रहना है और चेक करते रहना है कि जब तक मेथरे जो हैं वो फुली तरह जो है ना पक ना जाए, उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकने दिया, उसके बाद मैंने देखें ये अभी चूल्हा चल रहा है, बिल्कुल बबल्स ख़त्म हो गए और मेथरे जो हैं वो तकरीबन जल गए हैं, उनका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी कलवंजी का तेल, और बिल्कुल 1/4 चम्मच कलवंजी, 1/4 teaspoon मतलब 1/4 part ऑफ द टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कलवंजी ऐड किया। और उसको मैंने जलाना, वो तो ऑलरेडी ब्लैक होती है, उसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसके अंदर पकाना है। यहाँ पे अभी तेल गर्म ही है और चूल्हा भी जल रहा है जैसे कि आपको पकता हुआ नज़र आ रहा होगा बीच में। तो अभी कलवंजी को डाले हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो बस इसको अब हम लोग छान लेंगे। और छानने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, गरम में ही हम लोगों ने ऐड कर देना है कलवंजी का तेल। कलवंजी के तेल की वो बॉटल 20 या 25 ml की होती है, बस वही हम लोगों ने ऐड करनी है। और 200 या 250 ml हम लोगों का तेल था सरसों का। तो यहाँ पे मैं अब इसको अच्छी तरह मैंने पका लिया, अब मैं इसको छानूंगी और छानने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखे काले हो गई है हर चीज़। तो मैंने इसको इतनी देर तक पकाया है जब तक मेथरे बिल्कुल जल नहीं गए। तो अभी एक बाउल लूँगी मैं, एक बाउल के अंदर इसको छानूँगी अच्छे से और उसके बाद ऐड करूँगी कलवंजी का तेल। तो अभी छानते हैं इसको जी। अच्छी तरह से इसको छान लिया है। छानने के बाद अब मैंने स्ट्रेनर लिया है एक, और उसको स्टील के बाउल में इसलिए छान रही हूँ क्योंकि प्लास्टिक में जल जाएगा और शीशे के बाउल में मुझे डर था कि टूट ना जाए।
यहाँ पे जी इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की आ गई है पकने के बाद। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कलवंजी का तेल। अभी ये तेल गर्म है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, इतना शदीद गर्म था कि स्पून भी गर्म हो रहा था। तो कलवंजी का तेल इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ मैं। ये मैं देख रही थी कि कितने ml की बॉटल है, तो मैंने सारा ऐड नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा बचा लिया था इसमें से। तो आप लोग भी जैसा आपको मुनासिब लगे उस मिकदार में ऐड कर लें। तो इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत थी, बहुत अच्छी स्मेल थी इसकी, और ये आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप ये ज़रूर तैयार करें और अपने साथ इस्तेमाल करें, अपने बालों के साथ प्यार करें, उनको लंबा रखें, घना रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी मैं चेक कर रही थी कि कितने ml की और इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। तो अभी मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी और बस इतनी थी इसको। उसके बाद ठंडा होने के बाद मैंने बॉटल में डाल लिया है और अब हम मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उनके बाल गिरना बंद हो गए हैं। और साथ में शैम्पू भी चेंज करें, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। हमारे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।